छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के टेंपल सिटी शिवरी नारायण में बीबी सारथी के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हर दिन लोग हजारों की तादाद में कैंडल मार्च निकालकर दोषी को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, नगर पंचायत खरौद में 13 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेज दिया है। उस आरोपी को फांसी की सजा और इस मामले में कड़ी जांच कर इसमें संलिप्त लोगों को भी गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग को लेकर आज टेंपल सिटी शिवरी नारायण में हजारों की तादाद में लोगों ने नगर पंचायत से लेकर अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकालकर बीबी की आत्मा की शांति और उसके हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर रैली निकाली। इस रैली में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रदेश संयोजक सरोज सारथी, शिवरी नारायण प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरली नायर, नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी के साथ नगर के पार्षद बबलू सोनी, गुड्डू कश्यप, पिंटू भट्ट सहित कई गणमान्य जन उपस्थित थे। जो 13 वर्षीय बच्ची हमारी, उसका जो जघन्य अपराध करके हत्या कर दिया गया है और जिसके खिलाफ में पूरा समाज, आज पूरा प्रदेश खड़ा है और उसी तारतम्य में यहाँ से जनकपुर से 1 नंबर वार्ड से नगर पंचायत से एक कैंडल मार्च करते हुए सांकेतिक यहाँ पर अंबेडकर चौक तक लाया गया है और सभी लोगों का एक ही मांग है कि दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषी के ऊपर में और उसको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। और दूसरी बात कि वो जो वो आश्रम जो वहाँ पर जो बना के रखे थे वो नजूल की ज़मीन है और इस पर नहीं चाहते हैं, पूरा वहाँ पर समाज भी नहीं चाहता, मोहल्ला भी नहीं चाहता कि वो ज़मीन वहाँ पर रहे, नेस्ट नाबूद करें। उसके बाद वहाँ पर एक मंदिर और एक गार्डन का मांग है परिवार का, उसको पूरा हो। देखिए, जितने सारे लोग उसमें दोषी हैं सारे लोग उसी पनिशमेंट के हकदार हैं और इसमें किसी भी प्रकार से उसमें कोई कोताही करने की आवश्यकता नहीं है। बच्ची हमारी है, बेटी हमारी है और समाज ये कभी नहीं चाहेगा कि उसमें एक भी कृत्य अपराधी कृत्य करने वाला व्यक्ति कोई निर्दोष हो। देखिए, ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं कि उनके पास किसका कौन से नेता का फोन आया था और कब आया था और ये तो मेरे से समझ से बाहर है कि इतने जघन्य अपराध करने के बाद यदि कोई नेता यदि उसको बचाने के या उसके पक्ष में यदि वो बात कही है या फ़ोन किया है तो बराबर का दोषी वो भी है, वो भी मिलना चाहिए। समाज उग्र आंदोलन करेगा पूरे प्रदेश भर में और जो हमारी मांग है उसको हम प्रमुखता से रखेंगे और जब तक वो मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक समाज उसके साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ है नगर स्तर में, आने वाले समय में कलेक्टर के पास करेंगे और उसके राज्यपाल के पास करेंगे, पूरे प्रदेश का घेराव करेंगे, इसमें कहीं पर कोई संशय नहीं है। समाज के साथ साथ पूरे गांव हमारे साथ में खड़ा हुआ है। इवन ये खराउत का ही मामला नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मामला है। जिस प्रकार के निर्भया की मामला, निर्भया के दोषी को सजा मिली फांसी की सजा, उसी प्रकार हमारी बेटी हमारी बेबी सारथी के दोषियों को फांसी का सजा मिले, ये पूरे समाज की मांग है। सबसे पहली तो मैं यही चाहती हूँ कि बेबी सारथी के माता पिता मन ल दुख के घड़ी ल सहे के भगवान शक्ति देवे। जो बेबी सारथी के साथ हो है वो कोई बच्चा के साथ मत हो और मैं यही चाहती हूँ कि जो अपराधी है ओला जल्द से जल्द फांसी की सजा दिया जाए और वही हमारी इच्छा है कि जो भी इतना काम करा थे ओला कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज हम अपन घर में अपन गांव में सुरक्षित नहीं हैं, हम क्या कौन विश्वास में अपन लड़का बच्चा मतलब हम बाहर भेजबो, हम कैसे पढ़ाबो, हम एक दुकान से सामान नहीं खरीदवा सकते हैं। आज हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं है, आज ऐसे लगा थे कि कानून कहाँ है।
हम कानून पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, अपन गांव के, अपन बच्चा के, अपन दादा काका के विश्वास नहीं कर पाते हैं। ऐसे दुख के परिस्थिति में मैं तो यही चाहिए कि अगला कोई भी ऐसा कोई भी हत्या मत होए, कोई भी दुष्कर्म ऐसा